नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का आपके साथ। मैं हूं ममता तिवारी। शुरुआत इस बुलेटिन की करते हैं। सबसे पहले बड़ी खबर, सलमान खान के घर फायरिंग मामले में बड़ी खबर है। फायरिंग मामले में एक और पर्दाफाश हुआ है। विश्नोई गैंग के ने शूटर्स को 1,00,000 रुपये दिए थे। आरोपियों ने शूटआउट के दौरान ये इस्तेमाल किया है रकम का। और हरियाणा से शूटर सागर पाल का भाई सोनू पाल भी डिटेन किया गया। क्राइम ब्रांच ने सोनू पाल को हरियाणा से हिरासत में लिया है। सोनू पाल से अब क्राइम ब्रांच पूछताछ करेगी। शख्स को पूछताछ के लिए मुंबई लाया गया है। वारदात के दौरान शूटर्स के संपर्क में होने का शक जताया जा रहा है। तो सलमान के घर फायरिंग मामले में एक और बड़ा पर्दाफाश हुआ है। दरअसल आपको जानकारी दे दें कि इस पूरे मामले पर विश्नोई गैंग के द्वारा आरोपियों को पैसे भी दिए गए थे। संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब और बहरीन में जल प्रलय के हालात बने हुए हैं। ओमान और पाकिस्तान में भी विकराल बाढ़ का तांडव जारी है। दुबई जैसा शहर पानी पानी है। बेहिसाब बारिश के बाद दुबई शहर नाक तक डूब गया है। देखिए ये रिपोर्ट। दुबई में दहाड़ता दरिया, ओमान में बाढ़ की विनाश लीला, पाकिस्तान में सैलाब का संकट, तीन मुल्क एक जैसी आफत। मूसलधार बारिश से आई अचानक बाढ़ ने रेगिस्तान में बसे दुबई को दरिया बना दिया। ओमान में तो मानो जल प्रलय आया है, वहीं पाकिस्तान में बाढ़ ने कई जिंदगियां लील ली हैं। भीषण गर्मी के दिनों में अचानक मरुस्थल वाले ये मुल्क बाढ़ की विनाश लीला देख रहे हैं। आखिर क्यों, क्या है रेगिस्तान में आई बाढ़ का खुराफाती कनेक्शन, जानेंगे। लेकिन उससे पहले सन कर देने वाले सैलाब की तस्वीरें देखिए। दुबई में रिकॉर्ड तोड़ बारिश, टूट गया 75 साल का रिकॉर्ड। एक ही दिन में साल भर की बारिश, डूब गई सड़कें, डूब गए मॉल। रेगिस्तानी शहर में बारिश बनी काल। ये दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। यहाँ रनवे से लाउंज तक पानी ही पानी है। लोगों के यहाँ आने की मनाही है, क्योंकि चेक इन पॉइंट से टेक ऑफ पॉइंट तक सैलाब है। हर कदम डूब के जाना है। कई फ्लाइट्स रद्द हुई हैं, तो कई को डाइवर्ट किया गया है। दुबई एयरपोर्ट से ट्रैवल करने वालों के लिए चेक इन के प्रोसेस को सस्पेंड कर दिया गया है। अब दुबई के हाईवे देखिए, सब जगह जल प्रलय जैसा दृश्य है। जिन हाईवे पर गाड़ियां फर्राटा भरती हैं, वहां लोग फूंक फूंक कर कदम रख रहे हैं। बाढ़ और बारिश ने दुबई का दम उखाड़ दिया है। दुबई में बादल इस कदर बरसे हैं कि बुर्ज खलीफा जैसी बुलंद इमारत भी पानी में घिर गई है। दुबई समेत संयुक्त अरब अमीरात में कई शहर विकराल बाढ़ का सामना कर रहे हैं, क्योंकि आंकड़े बताते हैं कि दुबई में 88.9 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की जाती है। लेकिन इस बार एक ही दिन यानी 24 घंटे में कुल 160 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। बताया जा रहा है कि इस बारिश ने दुबई में पिछले 75 साल का रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिया है। दुबई में रिकॉर्ड तोड़ बारिश हो रही है। अभी इसके रुकने के आसार भी नहीं दिख रहे, क्योंकि यूएई के राष्ट्रीय मौसम विज्ञान केंद्र ने पुष्टि की है कि ज्यादा से ज्यादा बारिश के लिए क्लाउड सीडिंग करवाई गई है। लेकिन बादलों से की गई छेड़खानी के चलते दुबई में हाहाकार मच गया है। भीषण गर्मी से निपटने के लिए और तापमान को कम रखने के लिए दुबई में कृत्रिम वर्षा कराने का चलन है। इस दौरान दुबई प्रशासन की तरफ से लोगों को अलर्ट दिया जाता है। लेकिन इस बार जो दुबई में हुआ, उसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। इस कदर मूसलाधार बारिश हुई कि न एयरपोर्ट बचे, न शॉपिंग मॉल, न सड़कें और न ही लोगों के आशियाने। उधर ओमान में भी बेमौसम बरसात ने जल प्रलय ला दिया है। ओमान में बीते 3 दिनों से रिकॉर्ड तोड़ बारिश हो रही है। अबू धाबी और मस्कट जैसे कई इलाके जलमग्न है। अंधा